अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन कीप अप विद अशद। अच्छा जी, आज हमारा प्लान था जैज़ ड्राइव इन सिनेमा जाने का और हम पहुंच गए हैं टाइम भी। अलबत्ता शो जो था वो 6:30 स्टार्ट होना था तो अब तकरीबन 7 बज रहे हैं, तो लेट तो हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे अजीब चीज़ लगी जैज़ की तरफ से वो ये कि आप जब कुछ ऐसी चीज़ करते हैं तो आप हर जगह उसकी ब्रांडिंग लगाते हैं, लोगों को गाइड करने के लिए रास्तों की डायरेक्शंस लगाई जाती हैं या एटलीस्ट पिन लोकेशन दे दी जाती है पेज पे कहीं। तो ना ही तो मुझे कहीं पिन लोकेशन नज़र आई, ना ही बहरिया से एंटर होने से लेकर अंदर तक कहीं एक जगह भी जैज़ की मुझे ब्रांडिंग दिखी जिससे लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल सके और वो पहुँच सकें। आधा घंटा हमने यहाँ वेस्ट किया सिर्फ ढूंढने में। मुझे सरप्राइजिंगली दिखी है ये जगह जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। यहाँ पे कुछ ट्रैक सा बना हुआ है जो कि ऊपर तक जा रहा है, तो आइए आपको दिखाते हैं ये जगह। तो दिस इज़ द न्यू साइट दैट आई हैव सीन इन कनाडा दिस टाइम। मूवी का प्लान मैंने खुद ही कैंसिल कर दिया है क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखें, अगर 8:30 वाले शो में हमारा मूड बन गया तो चले जाएंगे, वरना लेट्स इन्जॉय दिस टाइम बिकॉज आई बिलीव के वट एवर हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न। तो अगर मूड बन गया तो चले जाएंगे और नहीं बना तो यहीं पर टाइम स्पेंड करके कुछ खाना बनाना करके घर निकलेंगे। थैंक यू। इस जगह की हाइट अच्छी खासी है, अभी थोड़ा सा ही मैं चढ़ा हूँ और अच्छा खासा अभी डिस्टेंस बाकी है। यहाँ पर जो फीलर आ रही है ना, मुझे कुछ हद तक इस्लामाबाद वाले बहरिया टाउन की आ रही है। वहाँ पर भी एक बड़ी हाइट पर एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ से आपको तकरीबन पूरा बहरिया टाउन नज़र आता है। बट वहाँ पर उन्होंने इस तरह का कुछ सिस्टम किया हुआ है कि आप गाड़ी भी लेके जा सकते हैं। आई डोंट नो यहाँ अलाउ है नहीं है, स्पेस तो इतनी है कि एक गाड़ी एक टाइम पर आराम से ऊपर जा सकती है, बट हाँ अगर आपको क्रॉस करनी पड़ेगी तो फिर एक इशू हो सकता है। अदर देन दैट इट्स अ गुड प्लेस। ऊपर पहुँच के आइडिया होगा कि ऊपर से क्या नज़र आ रहा है। फिलहाल तो फ्लैग बहुत ही खूबसूरत लग रहा है विद दिस ग्रीन LED लाइट। ऊपर हम पहुंच गए हैं और ये है फर्स्ट लुक। ऊपर तो आ गए हैं लेकिन ऊपर आते के साथ ही लाइट चली गई है। अभी इन्होंने बंद कर दी हैं या कोई टेक्निकल फॉल्ट है, नो आइडिया। बट यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है। आई थिंक सनसेट के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह कोई हो नहीं सकती क्योंकि अच्छी खासी हाइट पर है और बहुत लश ग्रीनरी है। यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म के फूल वगैरह दिख रहे थे बट अब लाइट चली गई है तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो द ओनली थिंग दैट इज़ विजिबल राइट नाउ इज दिस ब्यूटिफुल पर्पल एंड ब्लू एंड मरून काइंड ऑफ स्काई जिसके कलर्स बहुत ही शानदार लग रहे हैं। सामने जो आप देख सकते हैं वो है बहरिया एडवेंचर लैंड और ये सारी बहरिया टाउन की सड़कें और दूर मस्जिद नज़र आ रही है आप राइटिंग। अभी हम जिस जगह पर हैं ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है जो मैंने आपको दिखाया अभी। और दूसरी साइड पर बड़े ज़बरदस्त किस्म का गार्डन बना हुआ है और हमें चूँकि यहाँ का नहीं पता था तो तुक्के में जगह हमने एक्सप्लोर की है। तो यहाँ पर प्रॉपर गाड़ियाँ पार्क करके यहाँ तक आने का रास्ता मौजूद है, तो कहीं ना कहीं से रास्ता होगा। तो जो कोई हाइक करके नहीं आना चाहता उसके लिए प्रॉपर रोड भी बना हुआ है, सो विच इज़ अ ग्रेट आइडिया आई बिलीव। कि एक पार्क बना हुआ है वहाँ पे, एक ऐसी जगह है जहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग मौजूद है और आई थिंक मुल्तार साहब के बेटे हैं जिनकी तस्वीर पीछे लगी हुई है। तो हम अभी यहाँ से उतर के जा रहे हैं जैज़ सिनेमा की तरफ। यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा, मगर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो भी यहाँ पर आने का इरादा रखता है वो यहाँ पर 5-5:30 बजे के टाइम तक आ जाए ताकि जो शाम का यहाँ पर मंजर होगा ना, जब आसमान पे आपको कई रंग देखने को मिलेंगे सनसेट से लेकर मगरिब के बाद तक का वक्त, वो आइडियल होगा। तो अगर अभी हमें जैज़ सिनेमा में मज़ा आया तो हम स्टे करेंगे, वरना हम थोड़ी देर रुक के देख कर चले जाएँगे वापस घर।
ड्राइव इन सिनेमा में एंटर होने के लिए पहले आप एक काउंटर पर रुक के टिकट बाय करते हैं और उसके बाद इन खूबसूरत लाइटों के दरवाजे से होते हुए अंदर दाखिल होते हैं। ड्राइव इन सिनेमा साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मगर इट इज़ वेरी वेल डिज़ाइन। एंट्रेंस से लेकर गाड़ी पार्क करने तक आपको फील आएगी कि आप किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ड्राइव इन सिनेमा में मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। आई गेस दिस इज जस्ट द मार्केटिंग कैंपेन बाय जैज एंड दे आर डूइंग अ टेस्ट ट्रायल, बट इट वॉज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। दो द स्क्रीन साइज वॉज नॉट दैट बिग, मुख्तलिफ SMDs को कम्बाइन करके इन्होंने ये स्क्रीन बनाई हुई थी, मगर 50 से 60 गाड़ियों के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है और आपको स्क्रीन भी बड़ी क्लियरली विजिबल थी और ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। कराची में ये छोटा सा ड्राइव इन सिनेमा के ट्रेंड का रिवाइवल हो सकता है। इफ़ आई टेक यू बैक इन द लेट 90s एंड अर्ली 2000s, तो आपको याद होगा कि डालमिया रोड के ऊपर बहुत बड़ा ड्राइव इन सिनेमा होता था जिसकी स्क्रीन आज भी मौजूद है, मगर लास्ट के कुछ सालों में उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा ट्रेंड और एक बहुत अच्छी एक्टिविटी कराची आइट्स के लिए ख़त्म कर दी गई। आई बिलीव दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हो सकता है हमें और इस किस्म के सिनेमाज देखने में आए। जैज ड्राइव इन सिनेमा में बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी थे जहाँ पर आप जैज कैश के थ्रू पे करके डिस्काउंटेड प्राइस में खाना भी खा सकते हैं। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। Pretty much do anything to do with it.